भाइयों बहनों, पूरे बंगाल में बेहिसाब गरीबी है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आगे बढ़ गया। इतना पानी होने के बावजूद हमारा बंगाल बिछड़ गया। क्यों बिछड़ गया? क्योंकि यहां भ्रष्टाचार चल रहा है। ये अनुव्रत मंडल, ये कुणाल घोष, तापस पाल, कोई कुलपति, ये सारे लोग युवाओं को नौकरी देने के केस में, गाय तस्करी के केस में, कोयला के केस में जेल में गए हैं। मुझे आप बताओ भाई, आप किसी ने एक साथ 50 करोड़ रुपया जीवन में देखा है क्या? देखा है? इनके एक मंत्री के यहां से 50 करोड़ रुपया निकलता है, 50 करोड़ रुपया। मैं आज पूछने आया हूं ममता दीदी को, ये 50 करोड़ रुपया किसका है? ये मंत्री का नहीं है बनगांव वालों, आपका पैसा लूटकर ममता दीदी ने अपने मंत्रियों को देने का काम करा है। मंत्रियों को मुझे बताओ, उनको जेल में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? जोर से बोलो, डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? ये ममता दीदी कहती है उनको क्यों जेल में डाला। ममता दीदी, अभी तो शुरुआत है। चीट फंड घोटाले वाले, शिक्षक भर्ती घोटाले वाले, राशन वितरण घोटाले वाले, नगर पालिका की भर्ती की घोटाले वाले, शिक्षक भर्ती की घोटाले वाले, गाय तस्कर वाले, कोयला तस्करी वाले और पैसे के बदले सवाल करने के घोटाले वाले, आप सभी को जेल में जाने की तैयारी रखनी है। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं।